सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। राजस्थान का खूबसूरत शहर रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके साथ ही यहाँ का मशहूर गणेश मंदिर भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है। विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक रणथंभौर का किला और इसी किले में रणथंभौर गणेश मंदिर बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। रणथंभौर में है प्राचीन त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो कहलाता है गणपति बप्पा का हेड ऑफिस। द्वापर युग में बनाया गया था ये मंदिर। पूरे परिवार के साथ विराजमान है यहाँ बप्पा। गणपति बप्पा को भक्त भेजते हैं मांगल कार्यों का पहला निमंत्रण। डाक से भगवान को मिलती हैं सैकड़ों चिट्ठियां। दर्शन मात्र से पूरी हो जाती हैं सभी मन्नतें। घर में बनी रहती है सुख समृद्धि। राजस्थान का खूबसूरत शहर रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। देश विदेश से सैलानी यहाँ टाइगर सफारी और वन्य जीवों को करीब से देखने के लिए आते हैं। इसके साथ यहाँ का मशहूर गणेश मंदिर भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है। विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक रणथंभौर का किला, इसी किले में रणथंभौर गणेश मंदिर बना हुआ है। मंदिर लगभग 1569 फीट की ऊंचाई पर है। जयपुर से इसकी दूरी 142 किलोमीटर है। मंदिर का इतिहास करीब 1300 साल पुराना बताया जाता है। रणथंभौर के अंतिम चौहान शासक राजा हमीर देव चौहान थे, जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। अपने हठी स्वभाव के कारण वो हमीर के नाम से जाने गए। सन 1299 में रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला कर दिया। खिलजी ने किले को चारों ओर से घेर लिया और धीरे धीरे किले का राशन खत्म होने लगा। अपनी हार को समीप पाकर राणा ने भगवान गणेश की पूजा शुरू कर दी। इससे खुश होकर भगवान गणेश की प्रतिमा किले में प्रकट हो गई और राणा की सेना ने खिलजी की सेना को परास्त कर दिया। तो वहीं एक दूसरी मान्यता है कि इसके पूर्व त्रेता युग में भगवान गणेश की प्रतिमा किले में प्रकट हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद विलुप्त हो गई थी। 10वीं सदी में रणथंभौर के किले को मुगलों ने लंबे समय तक घेर रखा था। किले में राशन का सामान तक ले जाने का रास्ता रोक लिया गया था। तब राजा हमीर को सपने में गणपति आए और उन्होंने पूजन करने को कहा। राजा ने किले में ही ये मंदिर बनवाया और कहते हैं कि ये भारत का पहला गणपति मंदिर है। यहाँ की मूर्ति भी भारत की चार स्वयंभू मूर्तियों में से एक है। राजा की युद्ध में विजय हुई। यहाँ पर भगवान गणेश की जो मूर्ति है उसमें भगवान की तीन आंखें हैं। ये भगवान अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि और अपने पुत्र शुभ लाभ के साथ विराजित है। भगवान गणेश के वाहक मूषक भी मंदिर में है। गणेश चतुर्थी पर किले के मंदिर में भव्य समारोह मनाया जाता है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। रणथंभौर गणेश जी की प्रतिमा त्रिनेत्रधारी है। पूरी दुनिया में गणेश जी की सिर्फ यही प्रतिमा है जो त्रिनेत्र धारण किए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने गणेश जी को अपना उत्तराधिकारी मानकर अपना त्रिनेत्र प्रदान किया था। भगवान गणेश का श्रृंगार गणेश चतुर्थी के दिन स्वर्ण के वरक से किया जाता है, जिसे खास तौर पर मुंबई से मंगवाया जाता है। इसके अलावा उनके कपड़े जयपुर में तैयार करवाए जाते हैं। एक मान्यता के मुताबिक जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया तो वे भगवान गणेश को निमंत्रित करना भूल गए। गणेश जी इस बात से इतना नाराज हुए कि उन्होंने मूषकों की सेना को भगवान कृष्ण का रास्ता रोकने के लिए भेज दिया। मूषकों ने कृष्ण के रथ के आगे बिल खोद दिए, जिससे भगवान का रथ वहीं धंस गया।
भगवान कृष्ण को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने भूल सुधारते हुए गणेश जी की पूजा की और उन्हें लेने के लिए रणथंभौर आए। तभी से इन्हें प्रथम गणेश जी के नाम से जाना जाने लगा। इसलिए सभी मांगलिक कार्यों को विशेषकर विवाह के समय पहला कार्ड रणथंभौर गणेश जी को भेजा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि गणेश जी को अपने मन की बात बताने के लिए चिट्ठी भी लिखी जाती है। प्रतिदिन हजारों चिट्ठियां गणेश जी के पास पहुंचाई जाती हैं। कार्ड पर पता लिखा जाता है, श्री गणेश जी रणथंभौर का किला, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान। डाकिया भी इन चिट्ठियों को बड़े ही सम्मान से मंदिर में पहुंचा देता है, जहां पुजारी इस डाक को भगवान गणेश के चरणों में रख देते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान गणेश को निमंत्रण भेजने से सारे अच्छे काम पूरे हो जाते हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।